नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बहुत ही कम पैसे में अपने घर का लुक को बढ़ाना है तो आप दो काम कर सकते हो। पहला ये कि आप अपने घर के छत के ऊपर में जो पैरापेट वाल का काम किया जाता है उसको एक सुंदर से डिज़ाइन के साथ में आप काम बनवा लीजिए, या तो फिर जो अपने घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन में लगा हुआ विंडो है उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। प्लास्टर और प्लास्टर के पहले का काम अभी आप देखने वाले हो। दोस्तों पहले हम लोग चलते हैं इस घर में बने हुए छत के ऊपर में पैरापेट वाल के पास में और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो काम किया जा रहा है अभी जस्ट इसका प्लास्टर का काम कंप्लीट किया गया है। ये जो भी आप काम देख पा रहे हो छत के ऊपर में, इसे सिर्फ 5 इंची में किया गया है, मतलब सिर्फ 5 इंची का जुड़ाई का काम करते हुए इसके ऊपर में प्लास्टर का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ रेक्टेंगुलर शेप में आप कुछ खाली जगह भी छोड़ा गया है, या फिर आंधी है या फिर बाद में जब हवा निकलने का सिचुएशन है तो इजीली यहाँ से हवा है वो पास कर जाए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग छत के ऊपर में रेलिंग भी लगाते हैं, लेकिन रेलिंग से अच्छा विकल्प मैं इसे मांगता हूँ, इससे क्योंकि आपका जो घर होता है उसका लुक कई गुना तक बढ़ता है। इसमें आप अपना मनपसंदा कलर का उपयोग भी कर सकते हो। जो ऊपर वाला कॉलम जैसा डिज़ाइन है वो सारा जो काम आप देख पा रहे हो इसे ब्रिकवर्क के द्वारा ही किया गया है, ईंट के द्वारा ही, जुड़ाई के द्वारा ही किया गया। इसके साथ साथ विंडो भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि आर्क शेप के साथ में काम किया गया है और कुछ इस तरीके से पैरापेट वाल का यहाँ पे जो जुड़ाई का काम है उसे किया गया था और उसके बाद में ऊपर में एक बिट डिज़ाइन भी आप देख पा रहे हो। तो ये प्लास्टर से पहले वाला जो काम होता है, प्लास्टर के बाद में जो आप देखते हो तो बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोग को दोनों चीज़ दिखा दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरीके से जुड़ाई का काम किया जाता है, उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पे उसके ऊपर में प्लास्टर और बिट डिज़ाइन का काम किया जाता है। मिस्त्री जी के द्वारा यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो। हालांकि इसके लिए आपको इसी तरीके से जो मिस्त्री कुशल मिस्त्री होते हैं उसका आवश्यकता होता है, क्योंकि जो नया सीखे हुए मिस्त्री होता है वो बना तो देंगे लेकिन इतना अच्छा फिनिशिंग वो नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो अपने घर का लुक को कई गुना तक बढ़ाना, वो भी बहुत ही कम खर्चा में, तो आप इस तरीके से घर के ऊपर में सामने की तरफ साइड की तरफ पैरापेट वाल का काम करवा सकते हो। विंडो भी आप इस तरीके से बनवा सकते हो। आप देख पा रहे हो कि बालकनी में एक सुंदर सा लगभग बीचों बीच छोटा सा बालकनी जैसा जो काम है वो भी किया जा रहा है, जिसका काम आर्क शेप के साथ में किया जा रहा है। हालांकि कलर के बाद आपको फिर दिखाऊंगा कि इस घर को किस तरीके से बनाया गया और कैसे कंप्लीट किया गया। तो अगर आप भी ऐसे ही बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हो डायरेक्ट साइट से, तो आप निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से जूम करके आपको दिखा दे रहे हो फिर से, ताकि आप लोग को आइडिया मिले। बहुत ज़रूरी हो जाता है एक सुंदर सा इस पर कलर लगाना। तो कलर के बाद फिर मिलते हैं, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।